हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको मेरे इस वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ हाउ टू बी अ स्मार्ट बायर, हाउ टू बी अ स्मार्ट बायर ऑफ लैपटॉप, ऑफ एनी आईटी प्रोडक्ट और यूज्ड लैपटॉप। देखिए, ये तो काफी ट्रेंडिंग हो चुका है अब। कंप्लीट यूट्यूब में या फिर गूगल में आपको जब भी लैपटॉप चाहिए होता है, स्पेशली यूज्ड लैपटॉप, आप गूगल करते हो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे और आपको हजारों वीडियोस मिलता है। और आप वीडियोस के थंबनेल में देखेंगे कि बाय लैपटॉप एट 2000, बाय लैपटॉप एट 4000, बाय लैपटॉप एट 10000। ये तो काफी अट्रैक्टिव लगता है और लोग क्या है कि पूरा वीडियो भी देखते हैं, पर क्या वो वाकई में रियल है? क्या आपको वाकई में 2000 का लैपटॉप मिल रहा है? और वो 2000 के लैपटॉप में आप क्या काम कर सकते हैं, 10000 के लैपटॉप में आप क्या काम कर सकते हैं, मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। और ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सो प्लीज आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी दोबारा कहीं ठगे नहीं जाएंगे। आई रिपीट माई लाइन, आप ठगे नहीं जाएंगे। तो गाइस, मैं बता रहा हूँ कि आप इस वीडियो के बाद ठगे नहीं जाने वाले हैं। वो कैसे? आप कहीं भी जाइए, किसी भी सिटी में जाइए, आपको देखिए यूज लैपटॉप में वो कोर i5 लैपटॉप दे रहे हैं। कोर i5 लैपटॉप वो क्या दे रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट मैं तीन चीज आपको बोलूंगा फिगर आउट करने के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सबसे फर्स्ट होता है जेनरेशन। जेनरेशन आपको कोर i5 फर्स्ट जेनरेशन है, जब वो फर्स्ट से स्टार्ट हुई, और अभी करंट मार्केट आपको 12th जेनरेशन की है। तो आप क्या ले रहे हैं? फर्स्ट जेनरेशन तो आपको 4000 का भी मिल जाना है, 5000 का भी मिल जाना है, 10000 का भी मिल जाना है, 12000 का भी मिल जाना है। तो इट डिपेंड्स ऑन जेनरेशन। आपको i5 बोल करके मिल जा रहा है। अभी कस्टमर क्या है कि नई के शोरूम में गए, उनको 60000 रुपीज का i5 लैपटॉप दिखाया गया। अभी क्या है कि कोई उनको 10000 रुपीज में यूज i5 दिखाया जाएगा, तो वो बोलेंगे इतना बड़ा गैप, मेरा तो 50000 रुपए का सेविंग हो रहा है। पर एक्चुअल में वो पैसा आपका सेव नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जो लैपटॉप है वो 10 से 12 साल 15 साल पहले का लैपटॉप खरीद रहे हैं, और वो i5 फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन होता है, जो काफी ही लोअर एंड है। इस जनरेशन का लैपटॉप और प्रोसेसर हम लोग बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि वो कम्प्लीटली आउटडेट हो गई है। दूसरी बात कि आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, ये मैं अपने फॉलोइंग वीडियोस में बताता रहूंगा। सबसे फर्स्ट बहुत ही बेसिक, जो कोई भी कम जानकारी वाले लोग भी से आंक सकते हैं, बैकअप के माध्यम से। लैपटॉप की जेनरेशन जितनी भी लो होगी, बैकअप उसका उतना ही कम होगा। सपोज फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन की लैपटॉप आपको हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, 2.5 आवर तक का बैकअप देता है, जो लेटेस्ट लैपटॉप से। अभी लेटेस्ट लैपटॉप इन अ सेंस जो DDR4 सॉकेट में है, लेटेस्ट लैपटॉप आप 7th जनरेशन, 6th जनरेशन के ऊपर जितनी भी 12th जनरेशन के लैपटॉप है, उसे हम लोग एक कैटेगरी में रखे हैं, क्योंकि वो DDR4 सॉकेट में है और वो लो वोल्टेज सॉकेट में है। और उन सब लैपटॉप की बैकअप आपको 5 घंटे से 10 घंटे के बीच की होती है। एक मिड लेटेस्ट लैपटॉप जो है आपको DDR4 सॉकेट, DDR3 सॉकेट, वो है आपको 4th जनरेशन से स्टार्ट हो जाती है, 4th to 6th जनरेशन। जिनको बजट में लैपटॉप लेना है, मैं उनको भी रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट 4th से 6th जनरेशन तक की लैपटॉप ले, अपने प्राइस की वैल्यू रखें, जिसमें आपको बैकअप भी मिलेगा, परफॉर्मेंस भी मिलेगा, प्रोसेसर स्पीड भी अच्छी होगी और मोस्टली ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम होगी। दूसरी बात जो हम यहाँ पर मार्क करेंगे दोस्तों, वो है ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम, OS, जो मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ इस वीडियो में। हम जो कमर्शियल लैपटॉप्स डील करते हैं या फिर जो मार्केट में अवेलेबल है, आप लेटेस्ट लैपटॉप में जैसे ही आएंगे, जो मैं DDR4 सॉकेट या उससे ऊपर में जो है 6th जनरेशन से ऊपर जनरेशन की जो लैपटॉप है, इन सब में ओरिजिनल मदरबोर्ड में आपको विंडोज 10 प्रो की लाइसेंस इनबिल्ट होती है, जो मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताऊंगा कि इसे आप कैसे रिट्राइव कर सकते हैं। सपोज आप एक 20000 का लैपटॉप हमारे पास से ले रहे हैं, उसमें एक ओरिजिनल 13000 रुपीज की लाइसेंस हिडन होती है। जी हाँ, 13000 की लाइसेंस, जो कि लोगों को पता नहीं होता है और वो उसे पायरेट कर देते हैं। हम उस ओरिजिनली OS को आपको रेडी करके देते हैं, ताकि आप उसका फायदा उठा पाए। उससे मशीन लैगिंग नहीं होती, हीट नहीं करती, मशीन आपका फास्ट बूट करता है, मशीन आपका वायरस के थ्रेट से बचा रहता है। तो ये सब चीजें डिफरेंस है दोस्तों, जो आपको जानना होगा लैपटॉप लेते समय। और लैपटॉप जब अभी परचेज कर रहे हैं, आप बैकअप का ध्यान रखें, जनरेशन के बारे में हमेशा आप इंक्वायरी करें। जनरेशन ऐसा नहीं कि आप यूज लेने गए तो आपको 12th मार्केट में अवेलेबल है तो आप 12th ही लें, आप 5th, 6th, 7th, 8th भी आप ले सकते हैं, पर नॉट फर्स्ट सेकेंड थर्ड। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारे पास देखिए ये जो पर्टिकुलर लैपटॉप है, ये डेल का लैपटॉप है, ये आपको 6th जनरेशन और 7th जनरेशन में ही आता है। इसमें ओरिजिनल विंडोज 10 का लोगो है पीछे,
तो ये जो लैपटॉप है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, ये लैपटॉप का कॉस्ट आपको सिर्फ 1,000 रुपए का पड़ेगा, क्योंकि ये लैपटॉप मैं आपको दूंगा 14,700 रुपए में। जी हाँ, 14,700 रुपए में विथ 6 मंथ सर्विस वारंटी। अब मैं आपको 14,700 रुपए ये लैपटॉप का कॉस्ट बता रहा हूँ, पर ये आप मेरे को अभी पूछेंगे कि ये 1,000 की लैपटॉप कैसे हुई। जी हाँ, ये 1,000 की लैपटॉप इसलिए हुई फ्रेंड्स, क्योंकि 14,700 रुपए की लैपटॉप में 13,700 रुपए का इसमें विंडोज 10 प्रो की लाइसेंस फ्री है, जो कि मदरबोर्ड में इनबिल्ट होती है। गाइस, तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि आप ठगे नहीं जाएंगे, जो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बोला, कैसे आप नहीं ठगे जाएंगे। मैं आपको एक कस्टमर का वाक्य बतलाता हूँ क्या हुआ था उनके साथ, कि 500 GB में जस्ट मैं एक लैपटॉप सेल किया। तो आप देखिए कि लैपटॉप की नॉलेज कितने लोगों को है, किस प्रकार है, जो स्पेशली सेकंड्स लेने आते हैं। तो मेरा वीडियो करने का मकसद इसलिए है कि मैं ये चाहता हूँ कि लोग ठगे नहीं जाएं, उनको प्रॉपर नॉलेज रहे कि वो क्या खरीद रहे हैं। वो 500 GB स्टोरेज के साथ एक लैपटॉप मेरे से लिए, और उस स्टोरेज में 465 GB शो कर रहा था, विद ऑपरेटिंग सिस्टम वो अराउंड 460 GB हो गया। तो उनको नॉलेज ये चीज का नहीं था कि कोई भी हार्ड ड्राइव होता है, जो स्टोरेज ड्राइव होता है, उस ड्राइव में आपको 7% मेमोरी जो है वो रिजर्व मेमोरी होती है, वो माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में वो रिजर्व हो जाती है, और वो जो आपका कंप्लीट जो स्वइंग मेमोरी है वो आपको 7% कम रहता है। तो वो कस्टमर ऑल ऑफ अ सडन नेक्स्ट डे आप आए मेरे से मेरे पास, और वो बोलते हैं कि भैया आपने तो मुझे 500 GB का हार्ड ड्राइव दिया था, पर इसमें तो 460 GB ही है, 40 GB आपने निकाल लिया। तो भाई मैं मुस्कुराया और मेरे को थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा, खराब लगा, क्योंकि दूसरे कस्टमर भी थे उसके ही बगल में। तो फिर मैं उनसे समय लिया, उनको समझाया, सारा लैपटॉप दिखाया, गूगल दिखाया, उनके लिए क्लास किया। वो मेरे से काफी प्रभावित हुए और फिर वो मेरे से जुड़े रहे, और वो मेरे से जुड़े रहे, और उनको इतना क्रेविंग था जानने के बारे में कि वो जानते जानते इतना कुछ जानने लगे आईटी के बारे में, कि वो 2 साल के बाद अपना भी एक शॉप कर लिया, और वो काफी एक जानकार लोग में से एक बन गए। तो क्या है कि मेरा वीडियो करने का मकसद ही यही है कि आप जाने उसके बारे में, क्योंकि अभी क्या है कि इंडिया जो है वो ऑलरेडी 60-65% लैपटॉप जो है वो रिफर्ब और यूज की तरफ हो रही है। अमेजन आपको रिफर्ब सेल कर रहा है, फ्लिपकार्ट आपको रिफर्ब सेल कर रहा है, यूबाई, ईबे आपको रिफर्ब सेल कर रहा है, इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट जितनी बड़ी कंपनियां भी आपको रिफर्ब और सर्टिफाइड रिफर्ब लैपटॉप्स आपको सेल कर रही है। तो जबकि ट्रेंड इस तरफ मूव हो रहा है, तो मैं आपको उसके बारे में ही ये वीडियो किया हूँ और बता रहा हूँ कि आप कैसे ठगे नहीं जाएंगे। तो आपको वो देखना है, विंडोज का लाइसेंस देखना है, क्या स्टोरेज है, क्या स्टोरेज कैपेसिटी है, माउंट वैल्यू क्या होता है स्टोरेज का, आपको कंप्लीटली स्टोरेज दिख कितना रहा है, उसमें इंस्टॉल्ड कितना है। तो ये सब चीज जब जनरली हर एक कस्टमर जब वो सीख जाएंगे, जान जाएंगे, तो क्या है कि लोग जो भी सामान खरीद रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री या फिर दूसरे कंट्रीज में भी, उनके उस पैसे का कंप्लीट वैल्यू मिले। मेरा एम बिल्कुल यही है इस वीडियो करने के बारे में। और भी मैं आपको बहुत सारे टेक्नोलॉजीज, अपकमिंग टेक्नोलॉजीज, प्रोसेसर, इन डेप्थ प्रोसेसर के बारे में, स्पीड, परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर्स, हैकिंग, एवरीथिंग, कंप्लीट आईटी के बारे में मैं आपको इस अपने चैनल में जानकारी दूंगा। और आप मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, और अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, और लाइक जरूर कीजिएगा ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो।